अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं फराज जबार आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू हम करने जा रहे हैं उसका नाम है एटकैम टेबलेट। एटकैम टेबलेट में एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है उसका नाम है लोरनाक्सीकैम। 8 mg की स्ट्रेंथ में ये मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसका इस्तेमाल। हम ये एक एंटी एनाल्जेसिक और एंटी पायरेटिक टेबलेट है, मतलब ये हर किस्म के जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में दर्द है या सोजन आई हुई है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बैक बोन के पेन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। माहवारी का जो दर्द है औरतों में, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं। दांत में दर्द हो रहा है तो आप इसको दांत दर्द के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता किसी चोट लगने की सूरत में आपकी हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ऑपरेट के बाद जो ऑपरेट का दर्द होता है उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये दर्द के लिए बहुत ही इफेक्टिव है और ये एक जल्द डिजॉल्व हो के मैदे में जाके और फौरी तौर पर दर्द को रिकवर करती है। दोस्तों, अगर आपको बुखार है तो बुखार में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो जॉइंट हैं उनमें दर्द है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये बुखार, सोजन और दर्द को जल्द रिकवर करने वाला फार्मूला है। ठीक है, अब दोस्तों हम आपको बताते हैं इसकी डोज के बारे में। आप लोरनाक्सीकैम जो है ये आप इसको एक गोली सुबह और एक गोली शाम इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के बाद। अब इसके साइड इफेक्ट की तरफ आते हैं। दोस्तों, साइड इफेक्ट में आपको उल्टी हो सकती है, मैदा खराब हो सकता है आपका, आपको मैदे पे जलन हो सकती है, नाजिया हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। और जो लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूध पिलाने वाली जो माएं हैं वो इस टेबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसके बाद जो हेपेटाइटिस बी और सी या लीवर सिरोसिस के मरीज हैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जी, प्रेग्नेंट खवातीन भी इसको इस्तेमाल से ग्रेज करें तो बेहतर है। दोस्तों, जो भी मेडिसिन है अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें और मेडिसिन जो है वो बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हमारा चैनल है मेडी इन्फो बाई फराज के नाम से और फेसबुक पेज भी है मेडी इन्फो बाई फराज के नाम से। उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।